Hello, good morning students. Welcome you again in your history class. We have started the chapter number 10 of history, where we have discussed about the three new kingdoms, small kingdoms in the northern India. So first we have discussed about the Rashtrakutas. Now next is the Palas. About the Palas, very limited information. The first point here is very limited information. Very limited information is available about the history of Bengal for the period between the death of Harsha and the ascending of Palas. It means that जब ये Palas dynasty शुरू हुई तो Bengal के बारे में बहुत कम history जो है वो available है रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, क्योंकि हर्षवर्धन की डेथ के बाद ही ये जो स्मॉल किंगडम्स हैं ये बनी हैं. तो बहुत लिमिटेड, क्योंकि बंगाल में हमेशा वार्स रही हैं, ज्यादा वो प्रॉन रहा है वार्स का एरिया, जिसके कारण बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिली है Palas के बारे में. बट इट इज वेल नोन दैट ड्यूरिंग दिस टाइम बंगाल फेस ए लॉट ऑफ इन फाइटिंग अमंग द स्मॉल किंगडम्स. लेकिन ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कुछ एक कि ये छोटी छोटी किंगडम्स यहाँ पे आपस में लड़ती रहती थी. द पीपल ऑफ बंगाल इलेक्टेड गोपाला एज द king to maintain peace and order. It is the next point that वहां के लोगों ने, बंगाल के लोगों ने, क्योंकि वहां पे instability थी politically, तो इसलिए लोगों ने वहां पे कानून का कोई भी पालना नहीं करता था, शांति नहीं थी, इसलिए बंगाल के लोगों ने, क्योंकि उस वहां पे ही Palas का राज्य रहा है, तो गोपाला को किंग बना दिया बंगाल का वहां के लोगों ने. किस लिए? टू मेंटेन द पीस एंड ऑर्डर, शांति और कानून को बनाए रखने के लिए. ही सेट अप एन एम्पायर, फिर उसने वहां पे एम्पायर सेट किया विच रूल्ड ओवर अबाउट 400 इयर्स. ही सक्सेसर्स यूज्ड Pala आफ्टर देयर नेम. उसके बाद जितने भी राज्य गद्दी पे उसके बाद की जनरेशन बैठी, उसके सक्सेसर्स बैठे गद्दी पे, उन्होंने भी गोपाला की तरह अपने नाम के पीछे ये सिफिक्स लगाना शुरू कर दिया, Pala, ये वर्ड एड करना शुरू कर दिया. इसी नाम से ही ये एम्पायर, दिस एम्पायर केम टू बी नोन एज द Pala डायनेस्टी. धर्मपाला, अबाउट द धर्मपाला नेक्स्ट पॉइंट इज धर्मपाला वॉज अ ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द Pala डायनेस्टी. इस राज्यवंश का बहुत ज्यादा जो ग्रेट रूलर था वो था धर्मपाला. उसकी बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशन है Pala डायनेस्टी को अपलिफ्ट करने के लिए. ही सेट अप ए सेंटर फॉर द बुद्धिस्ट एजुकेशन विच वॉज नोन एज द विक्रमशील विहार. उसने बुद्धिस्ट एजुकेशन को फ्लरिश किया, उसके लिए उसने बहुत बड़ा एक मठ जो है, विहार जो है वो ओपन करवाया, जिसका नाम था विक्रमशील विहार, जहां पे बुद्धिस्ट एजुकेशन जो है वो दी जाती थी. His son Devpala, son of the Dharmpala, Devpala, जैसे हमने पहले बताया है कि जितने भी सक्सेसर्स थे गोपाला के, उन्होंने अपने नाम के पीछे Pala लगाना शुरू कर दिया था. So Dharmpala and then his son Devpala extended the Pala Empire and also defeated the Huns. जो Huns हमलावर यहाँ पे आए थे उनको हराया था, लूटने के लिए आते थे Huns यहाँ पे बंगाल पे, तो उनको हराया देवपाला ने. द एंड ऑफ हिज पीरियड अशर्ड इन द डिक्लाइन ऑफ Palas. इससे क्या हुआ, लेकिन जैसे ही देवपाला जो है उसका पीरियड खत्म हुआ, साथ ही डिक्लाइन स्टार्ट हो गया Pala डायनेस्टी का. बिकॉज इट मीन्स दैट ही वॉज द लास्ट कॉम्पिटेंट रूलर. Pala रूलर्स वर द फॉलोअर ऑफ द बुद्धिज्म. हमने राष्ट्रकूटास के बारे में पढ़ा है, देवर द फॉलोअर्स ऑफ द जैनिज्म. तो हमने कंट्रास्ट स्टडी अगर करें तो देवर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म Palas. मैनी स्कॉलर्स वर सेंट टू डिस्टेंट कंट्रीज टू स्प्रेड बुद्धिज्म. यहाँ के राजाओं ने, Pala डायनेस्टी के किंग्स ने अपने बड़े सारे जो स्कॉलर्स को दूर दूर भेजा था, किसके लिए? बुद्धिज्म को फैलाने के लिए. They also gave generous grants to Brahmins to build temples. लेकिन जैसे हमने राष्ट्रकूटास के बारे में पढ़ा, they were also very much tolerant about the other religions. Other religions एक होता है fanatic, सिर्फ अपना ही religion उनको पसंद होता है, दूसरे नहीं. लेकिन हमने दोनों केसेस में, राष्ट्रकूटास और Palas के बारे में, दोनों में ये पढ़ा है कि they were tolerant about the other religions. तो वो उन्होंने जो है काफी ग्रांट्स और पैसा ब्राह्मिन्स को भी दिया,
अभी की वो किस धर्म में बिलीव करने वाले थे? बुद्धिज्म। टेम्पल्स को बिल्ड करने के लिए उन्होंने पैसा दिया। पालास वर द ग्रेट पैटर्न्स ऑफ द आर्ट, एजुकेशन एंड लिटरेचर। इसके लिए भी उन्होंने काफी जो है काम किया है आर्ट में, आर्ट के फील्ड में, एजुकेशन में, लिटरेचर में। और जो फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी है वो भी रिवाइव पाला डायनेस्टी के दौरान ही हुई है। दीज ऑल वर द मेन पॉइंट्स अबाउट द पाला डायनेस्टी। यू जस्ट गो थ्रू फ्रॉम योर बुक्स अबाउट दिस टॉपिक। देन वी विल स्टार्ट टुमोरो द प्रतिहारास। थैंक यू।